जिले के कोठी रामपुर गांव में एक ट्यूशन टीचर जल्लाद बन गया। आरोप है कि ट्यूशन टीचर ने यूकेजी में पढ़ने वाले मासूम छात्र के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। टीचर की इस मारपीट से छात्र के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, जिसका उपचार फिलहाल कराया जा रहा है। वही मामले में छात्र के परिजनों ने टीचर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल यह पूरा मामला सतना के कोठी रामपुर गांव का है, जहां 6 साल का मासूम छात्र शिक्षक के गुस्से का शिकार हो गया है। बताया गया है कि सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाला छात्र शुभम कुशवाहा गांव के ही बालेंद्र सिंह नाम के निजी स्कूल के शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। मासूम छात्र द्वारा होमवर्क न करने से नाराज शिक्षक इस कदर आग बबूला हुआ कि उसने मासूम छात्र को न सिर्फ डंडे से पीटा बल्कि जमीन पर पटक दिया। टीचर के इस मारपीट से मासूम के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं और वह रोता बिलखता घर पहुंचा तो परिजन उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गए और उसका उपचार कराया। इधर छात्र के पिता ने शिक्षक के खिलाफ कोठी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में टीचर को थाने बुलाया, जहां आपसी रजामंदी कराकर मामले को पदक्षेप कर दिया है। रिपोर्ट लिखाने आप गए थे? तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बुलाया गया। क्या मामला क्या था ये, कैसे रिपोर्ट किस चीज की करने गए थे आप? इसको मारे हैं तो हम बोले ट्रीटमेंट कराइए आप। हाँ। बोले कि ट्रीटमेंट कराएंगे। हाँ। लेके जा नहीं रहे, ट्यूशन घर में लगा रहे हैं, हमारे बच्चे को बैठा दिए। ट्यूशन पढ़ाने भेजते थे आप उसको? उनके दोनों बच्चियों को मिलते थे, इसी के साथ में चला जाए। आपका बच्चा है जी, और आपके दो बच्चे और थे? हाँ, दो बच्चियाँ। किस गांव के हैं? राय। नाम क्या है आपका? धीरेन्द्र कुशवाहा। इसमें ट्यूशन टीचर क्या किया है? मारा है, उठा के पटक दिया सर। जी जी, आपने दवाई कहीं कराई? जी हाँ। कहाँ कराई? ब्रजपुर सतना में, ब्रजपुर के नीचे।